अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान। आज का जो लेक्चर है ये पीपीसी के हवाले से। पीपीसी आपको पता है कि जो हमारा क्रिमिनल लॉ का पेपर है, सिविल जज के हवाले से, उसका एक जो है वो अहम हिस्सा है। जो प्रीवियस पैटर्न था वो तो कुछ इस तरह था कि 3 सवाल आ रहे थे और आपने 2 सवाल करने थे। अब आज का जो पहला पेपर है उसके बाद कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि मेजर लॉ है तो आपने एक चीज देखी होगी कि उसने मेजर लॉ को इम्पोर्टेंस दी है और जो माइनर है उसको क्या किया, थोड़ा सा माइनर लॉ को उसने थोड़ा सा कम रखा है। जैसे कि आप देख लें कि जो रेंटेड प्रेमिसेस उसका एक ही सवाल उसने दिया है, बट सवाल कितना दिया है, एक। उसमें जो आपके पास मेजर में आ रहा था वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, उसके 3 सवाल उसने दे दिए। तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह हो सकता है क्योंकि 3 3 सवाल आपको सीआरपीसी और पीपीसी में से दे दे और बाकी पुलिस ऑर्डर रूल्स और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में से एक एक सवाल आ जाए। और अगर आज के पैटर्न में चला तो NE5, बट मोस्ट प्रोबेबली NE5 नहीं होगा। ये हाई कोर्ट का क्योंकि जो पेपर बनेगा, हर पेपर एक अलग शख्स बनाता है, तो आप कभी भी एक पेपर के पैटर्न के ऊपर चल के दूसरे पेपर को फॉलो नहीं कर सकते। अब इस हवाले से सबसे पहली चीज है कि पास पेपर के क्वेश्चंस और उसमें जो मेन क्वेश्चन बार बार आप सब लोग पूछ रहे हैं कि जी प्रोपोजिशन का क्या किया जाए, प्रोपोजिशन को किस तरह हल किया जाए। मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि प्रोपोजिशन को हल किया जाता है जजमेंट की तरह। क्या किया जाता है उसको हल? जजमेंट की तरह। जजमेंट की तरह जो पहली हेडिंग बनती है प्रोपोजिशन की वो बनती है फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, नॉट केस, फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएगा। जो उसने 4 5 फैक्ट, अभी अगर कोई पास पेपर में जो प्रोपोजिशन आएगी ना तो उसके हम फैक्ट निकाल लेंगे। हम 4 से 5 उसके क्या लिखते हैं, पहले फैक्ट, फिर आगे चलता है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या होते हैं उसके पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन? तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बाद आप जो फैक्ट है उसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और बुलेट्स में भी लिख सकते हैं। फिर वहां से बनता है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। किसके ऊपर बेस करते हैं? फैक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। फैक्ट के ऊपर बेस करेगा पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और फिर हर पॉइंट को आप लॉ के मुताबिक डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद आप उसको एंड पे जाके हर पॉइंट को कंक्लूड करेंगे कि ये पॉइंट इस तरह का है या नहीं है। तो इसमें एक सवाल के अंदर एक कंक्लूजन नहीं होगा। ये जिस तरह आप देखे कभी जजमेंट लिखी हुई, तो हर पॉइंट को जज क्या करता है, आखिर पे जाके अफर्मेटिव या नेगेटिव के तौर पे वो क्या करता है, उसको डिसाइड करता है, और फिर आखिरी जजमेंट होती है जिसमें वो तमाम पॉइंट्स की रोशनी में फाइनल जो अपना डिसीजन है वो पास करता है और वो आपको सुनाता है कि फाइनल उसका डिसीजन क्या है और क्या उसका डिसीजन नहीं है। ये इसका जनाब हमारा तरीकाकार होता है। किसका तरीकाकार होता है? हमारी किसी भी जो प्रोपोजिशन है उसको हल करने का। प्रोपोजिशन कोई नई चीज या अलग चीज नहीं होती, सिर्फ आपने समझना ये है कि जो मटेरियल आपको आता है, जो सेक्शन आपको याद है, जो नोट्स आपको याद है, उसको आपने उठाकर उसका कौन सा हिस्सा इसमें आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये मल्टीपल जो सेक्शंस है उसको अट्रैक्ट करती हुई प्रोपोजिशंस होती है जो एक सेक्शन के ऊपर बेस नहीं करती। अगर मैं पास पेपर की बात करूं तो यहाँ पर अगर कोई पहले प्रोपोजिशन वाला क्वेश्चन पहले निकाल लेते हैं या तरतीब से चलते हैं, 2015 के देखे जनाब, 2015 में पहला सवाल आया हुआ है, डिफाइन कत्ले अमद एंड इट्स पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड इन पीपीसी, आल्सो डिस्क्राइब इन व्हाट सिचुएशन कत्ले अमद इज नॉट लायबल टू किसास एंड इन व्हिच केसेस किसास फॉर कत्ले अमद शैल बी इन्फोर्स्ड। सेक्शन 300 से चला है और 312-13 तक उसने तमाम जो चीजें हैं वो डिस्कस की है। ये सेक्शनों की उसने हेडिंग आपको दे दी है, जहां पर कत्ले अमद इज नॉट लायबल 307 होगा, फिर कत्ले अमद इज नॉट इन्फोर्सेबल वो अलग सेक्शन होगा। तो जब आपने बात कर दी कत्ले अमद, इसको अब कत्ले अमद में गलती कहां पे आप लोग करते हैं? कत्ले अमद एक राहे ताम, एक राहे नाकस के बगैर मुकम्मल नहीं होता, 303 है। कत्ले अमद 304 के बगैर, उसने जब एक पॉइंट दिया ना आपको कि एंड इट्स पनिशमेंट्स, क्या पॉइंट दिया एंड इट्स पनिशमेंट्स, मुझे बल्कि फिर ही दिखा दे, मैं इसकी एक आउटलाइन बना दे, तो अगर इसके सामने कोई सवाल आएगा तो आप उसकी हेडिंग क्या बनाएंगे, ठीक है? ये 2015 की बात है, मैं आपको के साथ वो शेयर भी कर दूंगा। 2015 का आपका पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर है 1, जिसमें आपने क्या करना है, आपने कहता है जी डिफाइन कत्ले अमद। सबसे पहले पहली जो उसकी हेडिंग बनेगी वो बनेगी कत्ले अमद। आप इसको डिफाइन करेंगे कत्ल है क्या, होमिसाइड। होमिसाइड क्या है? किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। जनरल डिस्कशन में पहले आप इसको लेकर चलेंगे। अब आपने नॉलेज झाड़ना है, उसको बताना है कि आपको पता है कि जो आपका किलिंग ऑफ समवन है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग मे बी जस्टिफाइड बाय लॉ और नॉट, तो लिहाजा हम कत्ल को नहीं, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को दो क्लासेस में लेकर आते हैं, कल्पेबल होमिसाइड और
इनकल्पेबल होमिसाइड, इनकल्पेबल होमिसाइड विच इज जस्टिफाइड बाय लॉ, लाइक द आप कह लें कि प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान लेना, किलिंग ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इन प्राइवेट डिफेंस, ये क्या है आपका इनकल्पेबल होमिसाइड है। ऑन द अदर साइड कल्पेबल होमिसाइड इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू काइंड्स। यहां पर अगर आप सेक्शन 38 है आई थिंक, इसमें आप सेक्शन 38 की इलस्ट्रेशन है, मैं आपको सेक्शन बताता हूँ। हाँ 38। अब अगर आप उसको बताएं कि जनाब टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कत्ले अमद वन मस्ट गो थ्रू सेक्शन 38 द डेफिनेशन क्लास ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड वेयर इट इज डिफाइंड दैट द कल्पेबल होमिसाइड मे बी अ मैन स्लॉटर आर मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड क्या हो सकती है? मैन स्लॉटर आर मर्डर। वहां पे एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन क्या है कि जो इल विल के साथ जो 300 में डिफाइंड है किसी को मारते हैं तो ये मर्डर है, और अगर आप कोई प्रोवोकेशन में या किसी और बात पर किसी को मारते हैं, ऑल दो आपकी इंटेंशन थी लेकिन इल विल नहीं थी, तो लिहाजा वो किसमें जाएगा? मैन स्लॉटर में जाएगा, मर्डर में नहीं जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट अगर डिस्कस करेंगे शायद नेगेटिव चला जाए, बट एक्चुअली ये है कि आप कत्ल को पाकिस्तान का पिनल कोड पढ़ के समझ सकते ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ कत्ल का कंसेप्ट टोटल क्या कर दिया गया है? गलत। जो थ्योरी है वो प्रैक्टिस नहीं है, जो प्रैक्टिस है वो थ्योरी है ही नहीं। कत्ल का कंसेप्ट समझना है तो आईपीसी से समझ लें, जो इसका स्ट्रक्चर चला है ना कत्ल का, जो असल सेक्शन 38 बयान कर रहा है वो जाके कहाँ पे क्लियर होता है? आईपीसी में। आईपीसी डिफ्रेंशिएट करता है कि आपका मैन स्लॉटर क्या है और आपका मर्डर क्या है, और हमारे यहाँ इसमें चला गया किसास, शबीये अहमद, खता, बिस्सबब, ये क्लासिफिकेशन आपने खुद डाल के ला को क्या कर दिया? खिचड़ी पका दी। लेकिन हम इस बहस पे तो जाएंगे नहीं, हम सिंपल चलेंगे, हमने अपना नॉलेज उसको बताना है कि मुझे पता है कि एक होता है कल्पेबल और एक क्या होता है इनकल्पेबल। कल्पेबल के अंदर फिर जो है मर्डर जो है ये फर्स्ट डिग्री कल्पेबल होमिसाइड है, ये क्या है? फर्स्ट डिग्री कल्पेबल होमिसाइड, एंड इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 300 एंड 301। कितने सेक्शन किस किस में डिफाइन हुआ है? 300 एंड 301। फिर आप लिखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कत्ले अमद अंडर सेक्शन 300, किसकी जनाब सेकंड हेडिंग क्या बनेगी आपकी? डेफिनेशन किसकी? कत्ले अमद की अंडर सेक्शन क्या है? 300। और फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन बनेगी कत्ले अमद की अंडर सेक्शन 301। 300 में दो डेफिनेशंस है, कौन कौन सी दो डेफिनेशंस है? एक तो है कि किसी को नॉलेज के साथ मारना, कि आपको पता है कि आप कोई गलत काम करेंगे और उससे बंदा क्या होगा? मर जाएगा। किसी को गोली मारी है सोच करके मैं इसको मारूं, ये है कत्ले अमद। दूसरा है कि आपका इरादा नहीं है। अब इरादे के बगैर कत्ले अमद कैसा हो गया? इरादा आपका नहीं है, तरीका ऐसा है कि जिससे आमतौर पर बंदा मर जाता है, ठीक है, धक्का देने से बंदा मरता है? धक्का देने चुके मरता है? नहीं मरता ना, 15वीं मंजिल से धक्का दिया मर जाएगा। अब कुछ मैंने धक्का दिया तो मेरे इरादे क्यों नहीं था, वो तो धक्का कहाँ से दिया है? वो 15वीं मंजिल, और मैंने जो जख्मी करने के लिए उसके सीने पे गोली मार दी है। जख्मी करना पिस्तल का बट मार दो, सीने पे गोली नहीं मारो। कुल्हाड़ी का तेज धार हिस्सा गर्दन पे क्यों मारा जाता है? जान लेने के लिए, जख्मी करने के लिए नहीं मारा जाता। तो बात दो होगी ना, एक क्या हो गया इंटेंशन टू किल है जिसमें नॉलेज था कि आप इस बंदे की जान ले लेंगे, दूसरा है कि जिसमें ऑल दो इंटेंशन टू हर्ट था लेकिन तरीका कार था जिसमें ऑर्डिनरी कोर्स में बंदा क्या होता है? मर जाता है। और इसकी अगर जो अगली डेफिनेशन 301 की जो अक्सर लोग डिफाइन नहीं करते, जिसने ये डिफाइन कर दी समझो उसने क्वेश्चन कहां का अदा किया। फिल्मी सीन, ये जब भी प्रपोजिशन मैंने आज तक पेपर में दी है सबने इसको कत्ले खता में लिखा। वो क्या डेफिनेशन किस तरह करते हैं हम लोग, बनाते हैं प्रोपोजिशन किस तरह है कि ए बी को कत्ल करने के लिए जाता है, ए बी को क्या करने के लिए जाता है? कत्ल करने के लिए जाता है। जब ए बी के घर में पहुंचता है तो वहां पर उसका अपना भाई मौजूद है, वहां पर क्या है उसका अपना भाई मौजूद है। ए अपने जो बी है जो उसका भाई है सी, वो अपने भाई को रोकता है ए को कि आप इसको कत्ल ना करें, तो वो उसको कहता है जी आप साइड पे हट जाए मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं। इसी मामले में गोली लग जाती है उसके भाई जिसको वो मारना चाहता ही नहीं था, गलती से गोली लग गई। तो कौन सा कत्ल हो गया? जहां पे गलती गलत है भाई मरा है, कत्ले खता खता नहीं है, आपने किसी को मारना था और किसी को मार दिया। 301 कहता है ये कत्ले अब ये है इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन बन गई, अब आगे जिसकी पनिशमेंट्स के ऊपर 302 पे आए।
300 दो पे आप इसकी चौथी हेडिंग बनेगी पनिशमेंट की, तो मेरा भाई पनिशमेंट डिस्कस होगी 302A, 302B, 302C। जब तक आप 302A, B, C को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। अच्छा अब ए डिस्कस करना शुरू कर दिया। ए तो है किसास, ए क्या है हाँ किसास है। अब यहां पर सवाल नामुकम्मल है, नंबर ना मिला। अब किसी को याद है कानून शहादत आर्डर, याद है कानून शहादत आर्डर आर्टिकल 3 याद है क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंसी या विटनेस है ना। आर्टिकल 17 किसी को याद हो? सात टाइटल पूरा क्या है उसका? नंबर ऑफ विटनेसेस के साथ जिसने टाइटल पढ़ा है आर्टिकल 3 का उसने कुछ पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। आर्टिकल 17 का टाइटल है नंबर एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। एक सवाल जहन में चला जाता था, क्या सवाल जाता है कि आर्टिकल 3 में कॉम्पिटेंसी तो डिस्कस हो गई, हमने हमेशा आर्टिकल 17 को क्या पढ़ा है नंबर नंबर। आज दोबारा टाइटल पढ़े खोल के, नेट है तो खोले, उसमें टाइटल होगा नंबर एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, ऐसे ही है। ऐसे अब फिर फर्क क्या है? फर्क ये है आर्टिकल 3 ने कहा सारे खोते घोड़े हु कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव द रेशनल आंसर, सबकी गवाही क्या है काबिले कबूल है। आर्टिकल 17 ने कहा कि भाई बात है कि जो गवाही आपकी होगी सिर्फ शरीयत के असूल के मुताबिक। किसके असूल के मुताबिक? शरीयत का असूल तो आपको पता है सख्त है। यहां तक समझ आई? क्यों असूल को इधर क्या हमें घुसा लिया, यही तो असल सवाल है। जिसने घुसा दिया वो कामयाब, जिसने नहीं घुसाया वो क्या हो गया नाकाम। और ये डिस्कशन घुसी कैसे? 302A से चले, ए में सजा क्या है किसास। अब पढ़े 304 पीपीसी का, खुला हुआ है रखे अगर थे बैठे किताब खोले, लाइब्रेरी से 2-3 पीपीसी ले, लाइब्रेरी में जाओ वो सेकंड जो कमरा है ना, सेकंड कमरे में जाओगे तो बिल्कुल सामने जो अलमारी है उसके साथ राइट साइड पे पीपीसी के बेरेक पड़े होंगे, 4-5 बेरेक उठा के लिए। अच्छा 304 खोलो, वो कहता है कि किसास के लिए जरूरी है कि जो आपका विटनेस हो वो अंडर आर्टिकल 17 ऑफ QSO कंपिटेंट हो। यहां से आपका दिमाग खुलेगा अगर आप 304 पढ़ेंगे। पढ़ा 304 क्या लिखा हुआ 304 में? 304 क्या कहता है कि आपका जो गवाह है वो आर्टिकल 17 वाला हो। कैसा हो? कॉम्पिटेंसी आर्टिकल 3 की कंपिटेंसी उसने नहीं, पूरी पीपीसी पे कंपिटेंसी लगती है आर्टिकल 3 की, और एक वाहिद आर्टिकल है जिसमें कंपिटेंसी लगती है किसकी? आर्टिकल 17। पूरी पीपीसी आर्टिकल 3 में कंपिटेंट है। ऑल द पर्सन आर कंपिटेंट टू टेस्टिफाई इफ दे कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव द रेशनल आंसर। लेकिन जो कंपिटेंसी कहां पर लगी आपकी आर्टिकल 17 की है वो किस पे लगी है? 304। 304 किसके साथ जाके मिला? 302A। जब आपने ये जोड़ उसको बताकर बताया कि जनाब आर्टिकल 17 की कंपिटेंसी में ये चीज है तो यहां पर लेवल है स्ट्रिक्ट। अब ये आपका क्वेश्चन का स्टार्ट हो गया ना, पढ़ने वाले को क्या पता चला? इसको 300 का भी पता। अब मुझे बताएं कि नोट्स क्या आपको ऐसे डिलीवर करके लाएंगे घुमा के? कभी भी नहीं ला सकते। ये कौन सी चीज आपको लेकर आएगी डिलीवर करके? ये आपको लाएगी जनाब सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास क्या होगा प्रॉपर इसका नॉलेज होगा, जब आपने इसको लफ्ज बिलफ्ज क्या किया होगा पढ़ा होगा। अच्छा जी इसमें और हेडिंग क्या उसने बनाई थी? इसमें उसने जो हेडिंग्स बनाई थी ये तो कत्ले अहमद हो गया। अब पुनिशमेंट पे चले, 302B पे आ गए। अब जब आप बी पे चले गए, किस पे गए? बी पे। बी ने कहा कि डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजनमेंट, बी है कोर्ट की डिस्क्रिशन, डेथ सेंटेंस या क्या है? लाइफ इंप्रिजनमेंट। अगर 304 वाला गवाह नहीं है तो आप किसास की सजा नहीं देंगे, आप फिर उसको कौन सी सजा देंगे? डेथ सेंटेंस आर लाइफ इंप्रिजनमेंट। और 302C में सजा है अप टू 25 ईयर्स। पहले तो आप उसको फर्क बताएंगे कि अप टू 25 ईयर्स मीन्स कि एनी पनिशमेंट जो के किसी भी लिमिट से लेकर 25 साल तक हो। लाइफ इंप्रिजनमेंट मीन्स ओनली 25 ईयर्स, और अप टू 25 ईयर्स का मतलब क्या है? 25 साल तक की कोई भी सजा। अब लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तक गलत है। इस पे आप लेक्चर सुन ले जाकर, अभी टाइम नहीं है, मर्डर का लेक्चर सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक गलत क्यों है? जजमेंट्स आती है 302C मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस 302B है कि अगर हालात ऐसे होंगे तो अदालत फांसी की बजाय कौन सी सजा देगी उसको? लाइफ इंप्रिजनमेंट की। तो 302C क्या है कि वेयर किसास इज नॉट एप्लीकेबल। क्या है लफ्ज, क्या लिखा होगा 302C में, क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेबल। अब आगे सेक्शन तलाश करो, 307, 308, 309, 10 में जाके एक सेक्शन पढ़ो, वहां पर लिखा होगा कि किसास जहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जहां पर किसास एप्लीकेबल नहीं है वहां पर क्या होगा? 302C।
किसास कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? कि जहां पर कोई बंदा अपने खानदान में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे किसी की जान ले ले, बाप औलाद की ले ले, औलाद बाप की ले ले, यहां पर किसास एप्लीकेबल। ये है 302 सी। ये क्या है? 302 सी ने जो कहा है वेयर किसास इज नॉट एप्लीकेबल। अब ये लिंक हुआ तो आपका सवाल क्या बना? एक उसने ये पूछ लिया आपसे, और क्या पूछा था उसने? और उसने कहा कि जनाब आज डिस्क्राइब विद सिचुएशंस कि कत्ले अमद इज नॉट लाइबल टू किसास। अच्छा, अब लाइबल टू किसास की सिचुएशन उसने दी है कि नहीं दी हेडिंग के साथ? कब नहीं है थी लाइबल टू किसास कत्ले अमद? 300 क्या है सेक्शन? अच्छा अलग अलग होगा, हेडिंग पढ़ना है, नॉट लाइबल टू किसास अलग होगी हेडिंग। वेवर हो गया, और उसके बाद 308 पनिशमेंट इन कत्ले अमद नॉट लाइबल टू किसास। 8 उसमें हवाला 6 का दिया हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि वेयर एन ऑफेंडर गिल्टी ऑफ कत्ले अमद इज नॉट लायबल टू किसास अंडर सेक्शन 306। ठीक हो गया, 306 में कौन कौन सी सूरतें आ गई? कि जनाब व्हेन एन ऑफेंडर इज अ माइनर आर इनसेन, व्हेन एन ऑफेंडर कॉजेस डेथ ऑफ हिज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड, व्हेन एनी वली ऑफ द विक्टिम इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट हो सो एवर ऑफ द ऑफेंडर। ये उसने यहां पर आपने सवाल से पूछी कि व्हाट सिचुएशंस कत्ले अमद इज नॉट लायबल टू किसास। फिर आप बताएं कि व्हेन कत्ले अमद इज नॉट लायबल टू किसास तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, और कब कत्ले अमद जो सजा किसास शेल नॉट बी इन्फोर्स। पहली चीज है कि जब 304 में गवाह नहीं आएगा तो किसास शेल नॉट बी इन्फोर्स। जब कोई वली में से एक भी शख्स माफ कर दे तो किसास इन्फोर्स नहीं हो सकता। ये सारा सवाल रखे तो ये घूमा कहां पर? 300 से चला, और आखिरी इसका जो सेक्शन प्योर प्योर बना, पनिशमेंट भी आया, बदले सुलह भी आई, उसके बाद इसमें आएगा जनाब ताजीर आफ्टर वेवर ऑफ कंपाउंडिंग राइट ऑफ किसास, ये भी लिखा जाएगा, 311 भी लिखा जाएगा, 314 तक ये आपके सारे सेक्शन, 314 16 आगे और आ गया, और 315 15 कत्ले से किया, 314 तक, 300 से लेकर 314 तक सारे सेक्शन ये इस सवाल का जवाब है। अगर आप उसको वन बाई वन करके लिखेंगे तो ये सवाल पूरा होगा, नहीं तो ये सवाल पूरा आपका नहीं होगा। अब क्लियर हो गया इस सवाल? इस तरह करके आपने जवाब को क्या करना है? लिंक करना है, और लिख करके कोई भी सवाल का जवाब आपने बनाना है, अदरवाइज जवाब नहीं मिलेगा। अगला सवाल, एक्सप्लेन द सिचुएशन वेयर बाय एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू जनरल एक्सेप्शन मेंशन। ये पुराने दौर का सवाल था, उसने पूरा चैप्टर 76 से लेकर कहां तक दे दिया, 106 तक, पूरे का पूरा आपका चैप्टर दे दिया 76 से 106 तक। तो कहां कहां पर क्या है जनाब आपका? वो कह रहा है कि जनरल एक्सेप्शन अगर तो आपने करनी है याद, तो इसमें एक लेक्चर भी मैंने दिया, याद कर ले, वैसे 4 सी याद रख ले और 4 आई, क्या याद रखने हैं? 4 सी और 4 आई याद रखने हैं। अच्छा जी, कौन से 4 सी है, कौन से 4 आई है? पहला आई इनफेंसी का, इनफेंट होता छोटा बच्चा, 10 साल से छोटा बच्चा। दूसरा आई है इमेच्योरिटी का, 10 से 14 साल का बच्चा, अगर वो इमेच्योर है तो उसके ऊपर उसका जुर्म जुर्म नहीं है। एक आई है इनसेनिटी का, अनसाउंड माइंड, अगर कोई बंदा जुर्म करेगा तो जुर्म नहीं होगा। और एक आई है इंटॉक्सिकेशन, अगर इंटॉक्सिकेशन आपको अगेंस्ट योर विल दी गई थी तो उसमें किया गया जुर्म जुर्म। डिफाइन क्या करना है? डिफाइन पहला तो सादा हो गया, 10 साल से कम वाला बच्चा, उसकी तो सजा है ही नहीं। 10 से 14 साल में कोर्ट विल डिटरमिन इधर द पर्सन इज मेच्योर आर नॉट, इफ ही इज मेच्योर इनफ तो सजा उसको मिलेगी, इफ ही इज नॉट मेच्योर इनफ तो फिर उसको एक्सेप्शन मिलेगी। इसी तरह जब आप आ गए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो अकॉर्डिंग टू लॉ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इफ अ पर्सन वाज इनकेपेबल ऑफ ड्राइंग डिस्टिंक्शन इन बिटवीन गुड एंड बैड एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, तो वो क्या होगा? अनसाउंड माइंड। आप सही है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो उस पोजीशन पे, जो उस जुर्म के वक्त वो किसी ऐसी पोजीशन में चला गया कि वो अनसाउंडनेस की डेफिनेशन में चला गया, तो वो उस रिलीफ को ले सकता है। उसके बाद अगली कौन सी चीज होगी, अगला आई कौन सा होगा? इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंटियर अगेंस्ट योर विल, और अगर आपने जानबूझकर नशा पिया और आपको पता है नशा पीकर पिस्टल लेकर बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, किसी की जान मार लेंगे ना, तो कत्ले अमद ही होगा। ये प्रोपोजिशन बन सकती है कि एक शख्स ने नशा पिया अंडर इंटॉक्सिकेशन, अ पर्सन वॉलेंटरली, अ पर्सन ड्रैग, और ड्रैग भी उसने कैसे किया? वॉलेंटरली, एंड आफ्टर दैट वो बाहर गया और उसने जाकर अंडर इंटॉक्सिकेशन किसी को कत्ल कर दिया। आपका पाकिस्तान पिनल कोड ये कहता है कि अगर अंडर इंटॉक्सिकेशन आप कोई भी जुर्म करेंगे तो नथिंग इज एन ऑफेंस। बताया जी जुर्म हुआ कि नहीं हुआ, आप दो आर्टिकल उसको डिस्कस करके बताएंगे कि पहला आर्टिकल कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, लेकिन वो लिखा हुआ है कि इफ द इंटॉक्सिकेशन वाज एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट योर विल, अगेंस्ट योर
मिल। और कोई शख्स अगर जानबूझकर नशा करे और उसको पता है कि जी अगर मैंने नशा किया तो ये जुर्म मुझसे हो सकता, नशा पी के ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्सीडेंट कर दिया, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, ये मर्डर है, क्योंकि आपको पता है कि आपने नशा पिया है, नशे में ड्राइविंग से आप, ये यहां पर एक और डिस्कशन खुल जाएगी कि टू प्रूव द फर्स्ट एंड द बेसिक एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस, मेंसरिया। मेंसरिया होती गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड मे आल्सो बी प्रूव विद द नॉलेज। किस तरह प्रूफ हो सकती है? नॉलेज। एंड इफ यू हैड द नॉलेज कि आप अगर कोई भी नशा पियेंगे तो उसके बाद आप जुर्म कर सकते हैं, और आप नशे के बाद वो जुर्म करते हैं, नशे में किया बट यू हैड द नॉलेज, तो ये क्या है? इंटेंशन। और जहां पर इंटेंशन आ जाएगी वहां पे क्या हो जाएगा? जुर्म हो जाएगा। तो बात क्या हुई कि अगर नशे के वो पॉइंट को डिस्कस करेगा तो क्या पॉइंट होगा कि अगर वो विद नॉलेज है तो जुर्म है, और अगर अगेंस्ट योर विल है तो फिर जुर्म नहीं। तो ये चार क्या है? चार आई पूरे हो गए, चार सी ले ले। पहला सी है कंसेंट। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑपरेशन से पहले क्या किया जाता है? इसलिए कि जरा कुछ भी होगा तो हम जिम्मेदार नहीं है। गेम के अंदर, फुटबॉल के अंदर, क्रिकेट के अंदर, रेसलिंग के अंदर बंदे मरते हैं, जख्मी होते हैं, कभी कोई मुकदमा हुआ, आप खुद कंसेंट देते हैं कि जी मैं तैयार हूं, आओ और मुझे बॉल मारो। एक हो गया सी फॉर कंसेंट। दूसरा सी फॉर हो गया कंपल्शन। अब ये जो सी फॉर कंपल्शन है ना, ये नामुकम्मल है जुडिशरी में जब तक आप इसको क्या नहीं करेंगे। कंपल्शन में वो कहता है कि अगर कोई शख्स कंपेल्ड है अंडर थ्रेट, कंपेल कैसे है? अंडर थ्रेट। अगर आप थ्रेट के जरिए से कंपेल हो और आप जुर्म करें, अदर देन मर्डर, 94 सेक्शन होगा, अदर देन मर्डर स्टार्ट कहां से होगा? एक्सेप्ट मर्डर। कंपल्शन में कोई भी जुर्म करेंगे एक्सेप्ट। और पिछले मर्डर वाले सवाल में मैंने एक चीज डिस्कस नहीं की थी, 303 इकराहे ताम और इकराहे नाकस, आपने वहां पर डिस्कस करना, मर्डर का जब भी सवाल आएगा 303 डिस्कस करेंगे कि इफ तभी को पनिशमेंट की उसने बात की है, तो पनिशमेंट ऑफ मर्डर अंडर इकराहे ताम और पनिशमेंट ऑफ मर्डर अंडर इकराहे नाकस, उसको डिस्कस करेंगे। यहां पर क्योंकि इसने कहा कि मजबूरी में आप कोई भी जुर्म कर सकते हैं कत्ल के अलावा, अगर मजबूरी में कत्ल करेंगे तो या इकराहे ताम होगा या इकराहे नाकिस होगा, तो मजबूरी में किया गया कत्ल वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं है। हाँ, कोई चोरी कर ली, डकैती कर दी, कोई दरवाजा खिड़की तोड़ दिया, ये जुर्म आप कर सकते हैं मजबूरी में, लेकिन कत्ल नहीं कर सकते। तो कितने सी हो गए? कंसेंट और कंपल्शन। कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, तीसरा सी कौन सा? कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। कोरोना के दिनों में आपको याद है कि क्या हुआ था? मीडिया ने हाइट क्रिएट की थी ना, रात को कोरोना हुआ, सुबह पता चला बंदा मर गया, इतना डर हो गया था। कोरोना खतरनाक जरूर था, इसमें कोई शक, क्योंकि मैं जो है कोरोना पे जब मुझे हुआ था तो मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा था कि जी मुझे तो नहीं बताया बट घर वालों को बताया, भाई मेरे दोनों लंग 65% से ज्यादा वो क्या हो गए थे, डैमेज। उन्होंने कहा कि बचना मुचना कुछ नहीं, तो वेंटिलेटर पे भी ना रखो, इसको घर ले लो, बस जो भी आखिरी वक्त इसका अल्लाह करा लो। तो वो अल्लाह ने जिंदगी दी कि मैं वापस उसमें रिकवर हुआ, बट मतलब ये था कि अगर मैं उस पोजीशन पे जाके रिकवर हुआ तो रिकवरी उसमें थी, लेकिन डर क्रिएट हो गया था कि जिसको पता चला उसको कोरोना, तो वो बंदा क्या हुआ? अक्सर लोग मर गए। डॉक्टर ने किसी को बताया तुझे कोरोना? क्यों बताया? खुद को क्वारंटाइन कर ले जाके और अपना एहतियात कर, उसने सुना और मर गया। रिपोर्ट आई, पता चला उसको कोरोना था, आई कोई नहीं, डॉक्टर ने किसी और की रिपोर्ट उसको बता दी थी। डॉक्टर ने गलती की या नहीं की? लेकिन उसने किया कम्युनिकेशन इन गुड फेथ कि तुम एहतियात करो, और अगर उसमें कोई बंदा मर गया तो नथिंग इज एन अफेंस। ये है कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। कितने सी हो गए? तीन हो गए। उसके बाद अगला एक और सी कौन सा जनाब? एक सी रह गया। कौन सा सी रह गया? खून शून निकले, खोई निकले हुए, कुछ छोटी मोटी साट लगी है, कुछ रीढ़ जरूर कोई नहीं आई, ए तो लगी, कोई नहीं लगी, पैन लगा है, लग गया। ये है काजिंग स्लाइट हार्म, काजिंग स्लाइट हार्म, छोटा मोटा जो जख्म इस तरह का हो गया, थप्पड़ छप्पड़ मारा, ये हो गया वो हो गया, नथिंग इज एन अफेंस। जहां पे स्लाइट हार्म होगा वो अफेंस है। ये हो गया चार सी, ठीक हो गया जनाब? एक सी काजिंग स्लाइट हार्म का, एक कंपल्शन का, एक कंसेंट का, और एक कौन सा सी आ गया? अच्छा, कंसेंट के तीन चार सेक्शन है कि पागल की कंसेंट कौन देगा? गार्डियन दे देगा। छोटे बच्चे की कंसेंट कौन देगा? कोई और शख्स जो उसका गार्डियन होगा वो छोटे बच्चे की कंसेंट आके दे देगा। दो एक्सीडेंट है, दो मिस्टेक है, दो क्या है इसमें? मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट। एक 76 में है, फिर 77-78 को छोड़कर 179 में होगी। इसको याद रखने के लिए पहली मिस्टेक 76 में है, दरमियान में दो जुडिशियल एक्ट है, फिर अगली मिस्टेक आ जाती है, अगर सेक्शन वाइज इसको याद रखना है।
क्षेत्र में पहली मिस्टेक है और अगली मिस्टेक किसमें है, सादा से अल्फाज में दो मिस्टेक समझ लेना आप। देखें, एक बंदा, उसको लगता है कि ये जो सामने बंदा जा रहा है ये दहशतगर्द है। क्या है? दहशतगर्द। वो उसको दहशतगर्द समझ के गोली मारता है, उसी को वो मर जाता है, और जाकर देखता तो पता चलता है वो दहशतगर्द नहीं था, वो तो कोई और बंदा था। ये हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ, उसको क्या समझा, और वो नहीं दहशतगर्द नहीं था। पिस्टल की गोली कभी किसने चलाई है? किसने चलाया? निशाना लग सर, जाता है लाइफ और डिपेंड करता है उसकी बैरल पे क्या उसके जो है। हाँ आमतौर पर, नहीं और नहीं लगता लगता, नहीं लगता झटका मारता अच्छा खासा। हमारी कोई। हाँ, जो बहुत पक्के शूटर हो वो निशाने मारते हैं आमतौर पर, निशाना नुशुना। ये सिर्फ तामिल फिल्म होता है कि गोली के अंदर गोली लग जाती है, और अंग्रेजी फिल्म होती है हर गोली किधर लगती है, यहाँ पे लगती है। अदरवाइज जो आम पिस्टल, अगर आप 20 फुट के फासले पे भी खड़े हो जाए ना, 20 फुट के फासले पर भी गोली जो है वो नहीं लगती। तो अब क्या हुआ, अब सामने दहशतगर्द ही खड़ा है। सामने कौन खड़ा है? आपने दहशतगर्द को ही गोली मारी। किसको गोली मारी? दहशतगर्द। साथ खड़े बेगुनाह बंदे को लग गई। ये हो गया मिस्टेक ऑफ एक्ट। ये कौन सी मिस्टेक होगी? मिस्टेक ऑफ एक्ट। पहला मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और दूसरा क्या हो गया? मिस्टेक ऑफ एक्ट। 8 पहले पड़े थे और 2 एक्सेप्शन आके कितनी होगी टोटल? 10। एक जुडिशियल एक्ट, जो काम जज करेगा वो क्या है? एक्सेप्शन है। और एक जज के कहने पे जो काम होगा, जज के कहने पे फांसी लगा दी, बाद में पता चला बंदा बेगुनाह था, नथिंग इज एन ऑफेंस। कितने हो गए जनाब टोटल? 8, 2, 10 और 2, 12। एक्सीडेंट, जो इनविटेबल हो, जिससे बचा ना जा सके ना। अब यहां पर एक सवाल समझ ले, हो सकता है किधर से वो सवाल आपको बनाकर दे दे। एक्सीडेंट पे 3 पॉइंट बनते हैं, कितने पॉइंट बनते हैं? देखिए, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं आप? गाड़ी पे। आप अपने घर से निकले हैं गाड़ी पे, घर से निकले हैं गाड़ी पे बी को कत्ल करने के लिए। किसको कत्ल करने के लिए? बी को कत्ल करने के लिए। गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई बंदा आ गया अचानक आगे, आपने उसको बचाने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, ये पर गाड़ी के नीचे आके वो मर गया, और उतर के देखा वो बी था। कौन था वो? बिल्कुल घर से क्यों निकले हैं? और मार मार किसको दिया है? बी को। जिस वक्त मारा, उस वक्त आपका इरादा था, तो ये कत्ल नहीं है। कत्ल के लिए जरूरी है कि कंकरेंस हो। किसकी? मेंस रिया और एक्टस रिया की, दोनों एक साथ ऑपरेट हो। यहां पे मेंस रिया और एक्टस रिया एक साथ ऑपरेट नहीं हुए। तो समझाता हूँ। नहीं, देखिए, आप उस जिस बंदे को आप यहां पे मार रहे हैं, आप उसको मारना चाहते ही नहीं है। वो कहता है कि अगर आप एक को मारना चाहते थे और दूसरे को मार, यहां पर आप किसको नहीं मारना चाहते? आप तो बी के घर में जा रहे हैं, इसको आपने मारना नहीं है। जब वो तो बाद में देखा कि ये कौन था, ये तो बी था। अब गौर से सुने, गाड़ी पे आप बैठे हैं, स्पीड आपकी क्या है? बिल्कुल ठीक। स्पीड आपकी क्या है? बिल्कुल ठीक है। गाड़ी पे बैठे हैं, स्पीड आपकी बिल्कुल ठीक है। जा भी किस तरह रहे हैं? बिल्कुल आप रूटीन के मुताबिक जा रहे हैं। सेल्फ आपका वो सीट बेल्ट लगा हुआ है, लाइन और लेन की पाबंदी आप कर रहे हैं, और लाइसेंस आपके पास है। अचानक सामने कोई आ गया, अचानक सामने कोई आ गया, लगा और वो मर गया। ये है एक्सीडेंट। नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस। क्लियर हुआ? अब आप जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं रैश और नेग्लिजेंटली। इरादा नहीं है किसी को मारने का, सिर्फ क्या है? रैश और नेग्लिजेंट। अब बंदा मार दिया, ये है 320 कत्ले खता। 320 कत्ले खता, 318 उसकी सजा, 320 में रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग 10 साल की। अब अगली बात, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, सामने बंदा आया, आपने उसको मारना था और इसलिए मारा कि आप उसकी जान लें, ये है 302। तो गाड़ी के साथ पहला बंदा मारा 300, आपका वो क्या हो गया? एक्सीडेंट, नथिंग इज एन ऑफेंस। जब आप बिल्कुल ओके में थे, जब रैश और नेग्लिजेंट है तो 320 कत्ल है, बट कत्ले खता है, और जानबूझ के मारा तो फिर कत्ले अमद है। लेकिन यहां पर आपने जो बात याद रखनी है, वो कौन सी याद रखनी है? कि आप इनविटेबल एक्सीडेंट। तो कितने हो गए जनाब? 13 हो गए, और 14वां आ गया प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में किसी की ली गई जान जान नहीं होती। हाँ, अब गौर से इसमें बातें सुन ले। प्राइवेट डिफेंस अपनी जात का, किसी और की जात का, अपनी प्रॉपर्टी का, किसी और की प्रॉपर्टी का, सब में आप जान ले सकते हैं। इवन अगर आप अपनी जान की हिफाजत करते हुए किसी बेगुनाह की भी जान ले लें, तो नथिंग इज एन ऑफेंस। 106 की प्रोपोजिशन पेपर में आई थी, मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था कि एक शख्स है उसके पीछे
मॉब भाग रहा है, हुजूम भाग रहा है, वो पीछे मुड़कर देखता है उसके पास एक ही हल्ला कि इस पे गोली हुजूम पे चला दे तो लोग शायद आगे पीछे हो जाए, मुंतशिर हो जाए और उसकी जान बच जाए। जब उसने पीछे देखा उसमें बच्चे भी हैं, उसको था कि यस अगर मैं इसको गोली मारूंगा तो गोली में क्या हो जाएगा, किसी बच्चे को भी गोली लग सकती है, इसमें क्या हो सकता है, किसी बच्चे को भी गोली लग सकती है, याद रखो किसी बच्चे को भी क्या लग सकती है, गोली। उसने पीछे देखा और गोली चलाई, बच्चे को गोली लगी, बच्चा मर गया। किसको गोली लगी, बच्चा तो बेगुनाह था। अब 106 कहता है कि ना नथिंग इज एन अफेंस, अगर आप अपनी जान बचाते हो किसी बेगुनाह की भी जान ले ले तो नथिंग इज एन अफेंस, आपने अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी किया था वो बिल्कुल क्या था, ठीक था। ये हो गया आपका, 14 चीजें पूरी होगी किसकी, जनरल एक्सेप्शन। क्लियर हो गया जनाब? कत्ले अमद, कत्ले शबीही कत्ल अमद, कत्ले खता और कत्ले बिसबब हो गया। कत्ले अमद की दो डेफिनेशन है, तीन डेफिनेशन है, एक तो है इरादे के साथ कत्ल करना, दूसरा है इरादा नहीं था पर तरीका ऐसा था, और तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि आप जो है वो किसी और को मारने गए लेकिन आपने मार किसी और को दिया। ये हो गया कत्ले अमद, इसकी सजा है 302 A, B और C, जहां पर किसास लेबल नहीं होगा वहां पर दियत में चले जाएंगे, दियत इसकी सजा एक और एडिशनल होके मिल जाएगी। उसके बाद आगे कत्ले शबीहे अमद, शबी है उस जैसा है, किस जैसा, अमद जैसा, अमद के जैसा है लेकिन अमद है नहीं, तो अमद के जैसा इसमें क्या है, इंटेंशन थी टू हर्ट, इंटेंशन थी टू हर्ट, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी इंटेंशन टू हर्ट है या टू किल है, आपका तरीका बताएगा, क्योंकि हमने वहां पे क्या कहा कि इंटेंशन नहीं थी बट तरीका था कि जिससे आमतौर पर बंदा मर जाता है, तो क्या होगा फिर भी वो केस में जाएगा कत्ले अमद में। यहाँ पे चाहे इरादा था लेकिन इरादा बताएगा कौन, आपका तरीका। डंडा किसी के सर में मारा तो डंडा मारने से बंदा मरता है, डंडा मारने से बंदा मरता है आमतौर पे, कितने कत्ल होते हैं डंडा मारने से रूटीन में, डंडा लगने से कितने बंदे मरते हैं रूटीन में बताओ, डंडा मार लगने से वही सर्टन केस, वही सर्टन केस हो गया, ऐसा वैसा लग गया। ये तो चीज आपको समझानी, कभी किसी की जान लेने डंडे मार के मारना, कभी भी कत्ले अमद में नहीं होगा, कत्ले से भी ये अमद फांसी की सजा नहीं हो सकती उसमें, ठीक हो गया। तो कत्ले अमद में क्या है और कत्ले शबी अमद में, इसमें इंटेंशन टू हर्ट थी और तरीका ये था कि जिसमें बंदा मरता नहीं पर मर गया, ये है कत्ले शबी अमद हो गया। ये जो अभी प्रोपोजिशन है, जिस प्रोपोजिशन का हर हर बंदा हर जज तक गलत जवाब देता जो आपके पेपर में, ये वो यही है नूर वाली प्रोपोजिशन, अभी पेपर में आएगी अर्शद वाली, जो उसमें उसने क्या कहा, देखिए गौर से सुनो, उसने ये किया कि उसने मुजस्मा उठाया और उठाकर उसको मारा, मुजस्मा उठाकर उसको मारा, वो बचा, बचने के चक्कर में उसका सर किधर लगा, दरवाजे पे, और वो गिरा और जख्मी हुआ, क्या हुआ, जख्मी हुआ और वो छोड़ के चला गया। अगली नेग्लिजेंस किसकी आई, अस्पताल की आई, फिर उसके बाद वो मर गया। अगर किसी ने किसी की इंटेंशन टू किल हो तो वो एक मुजस्मा मारेगा या उसके सर में मार मार के उसका भुर्गस निकालेगा। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सादी सी जजमेंट आप इसमें लिख देते, अगर जजमेंट का नंबर याद ना हो तो फिर भी आप ये लिख देते कि इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट अ सिंगल शॉट, दैट अ सिंगल शॉट डज नॉट अमाउंट टू कत्ले अमद बिकॉज रिपीटेड शॉट्स आर रिक्वायर्ड, कि जिसमें इंटेंशन शो हो कि अगर आप किसी को एक गोली मारते तो शायद आप उसको कत्ल करना नहीं चाहते, अगर किसी को कत्ल किया जाना हो तो उसको आप रिपीटेड फायर्स करते हैं। तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर सिंगल शॉट है तो सिंगल शॉट डज नॉट अमाउंट टू कत्ले अमद, क्योंकि सिंगल शॉट का मतलब है कि आप शायद उसको मारना नहीं चाहते थे, अगर आप मारना चाहते आपके पास पिस्टल था, आप उसको क्या करते हैं हमेशा, जब भी आप देखते हैं जब हमने किसी को कत्ल कर लो तो 3 4 5 गोलियां मारते हैं, एक गोली कभी कोई किसी को, जितने भी मर्डर के केस देखेंगे एक गोली नहीं होती, कितनी गोली होती है, तीन चार पांच, तो वो कहता है कि सिंगल शॉट डज नॉट अमाउंट टू कत्ले अमद। तो यहां पर हम उसको हवाला देते हुए कहेंगे कि जनाब अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ द सिंगल शॉट, सिंगल गन शॉट इज नॉट अ मर्डर, तो यहां पर तो उसने एक स्कल्पचर फेंका है जो डायरेक्ट उसको अफेक्ट भी नहीं कर रहा, उसका सर किस पे लग रहा है, दरवाजे पे। अगर उसकी इंटेंशन टू किल होती, इंटेंशन टू किल होती तो वो उसको गिरे हुए को दोबारा क्या करता, मारता, बट उसने मारा नहीं है, विच शोज दैट ही हैड नो इंटेंशन टू किल दैट पर्सन, बट ही हैड इंटेंशन टू हर्ट, उसने तो मारा ही नहीं है, वो फिर अलग आ जाए, वो फिर आगे वो जब हम डिटेल में जाएंगे ना सिंगल शॉट की, वो सिंगल शॉट दिल पे है, सर पे है, वो वाइटल पार्ट, वो आगे फिर उस पे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे।
श्योर करेगा। तो क्या हो गया यहां पर, क्या हो गया उस वाले केस में, ये हो गया कत्ले शबीहे अम्द हो गया, उसकी सजा कम हो जाएगी, आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, डेथ सेंटेंस, और किसा सिर्फ कत्ले अमद में, किसी और कत्ल में नहीं है। उसके बाद आगे कत्ले खता, कत्ले खता कितनी तरह से होता है, दो तरह से, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से और रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से, जिसमें आपकी ना तो इंटेंशन टू किल थी ना इंटेंशन टू हर्ट थी। आप छत पे खड़े हुए, छत पे काम कर रहे हैं, कुछ चीज आपने ऊपर से नीचे फेंकनी है, आपने ऊपर से उठाकर नीचे फेंक दी है, सिर्फ नीचे पहुंचानी थी, ये ख्याल नहीं किया कि हो सकता है गली से कोई बंदा गुजर रहा हो, बंदे को लगी वो मर गया, आप मारना नहीं चाहते थे, जख्मी नहीं कर, लेकिन आपका काम क्या है, रैश और नेग्लिजेंट है। जब रैश और नेग्लिजेंट काम होगा तो फिर क्या होगा, कत्ले खता, ड्राइविंग है तो 10 साल, आम है तो 5 साल। कत्ले बिसबब ये होता है कि जिसमें ना तो आपकी कोई इंटेंशन टू किल एंड हर्ट है, सिर्फ एक रॉन्गफुल एक्ट आपकी साइड पे होना चाहिए। इनमें थोड़ा सा फर्क है खता और बिसबब में, खता में कुछ आपने किया, रैश या नेग्लिजेंट कुछ किया, और कत्ले बिसबब में कोई चीज थी जो करनी चाहिए थी, वो आपने एहतियात नहीं की, उसमें क्या किया, कुछ गलत किया, इसमें कोई सही चीज आपने नहीं की। कैसे नहीं की, गटर का ढक्कन आपने उतार दिया, क्यों उतारते गली में, गटर साफ करने के लिए, किसी की जान लेने के लिए तो नहीं करते ना, बाद में क्या करना चाहिए आपको, कवर करना चाहिए, या जब तक काम चल रहा है उसके बाहर कोई फेंस लगानी चाहिए, नहीं लगाई, बच्चा आया गिर के मर गया, ये है कत्ले बिसबब। जितने के इलेक्ट्रिक में पर्चे होते हैं सारे कत्ले बिसबब के होते हैं, बिजली की तारें टूटने से, जब पानी में करंट आने से लोग मरते हैं, ये सारा क्या है, उनको तारों की एहतियात करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं, जहां पर कुछ नहीं किया वो क्या हो गया, कत्ले बिसबब, और जहां पर कोई रैश और नेग्लिजेंट काम किया, वैसे बिसबब में भी खता का एलिमेंट है, लेकिन ये ना करने का एलिमेंट है, वो रैश और नेग्लिजेंट करने का है, ये कुछ ना करने का, एक्ट और रिमिशन दोनों इसमें आ गए, वहां पे एक्ट आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, आपका रिमिशन आ गया, ये हो गया, इसकी सजा 322 में दी गई। ठीक हो गया, अगला पेपर देख लें, खता में आ जाएगा ना, शिकारी का एक खता में तब आएगा कि जब वो झाड़ी में उसको जानवर लगा, उसने गोली, लेकिन उस सूरत में कि जब वो शिकारी गया था, अब शिकारी आपका उठे और चला जाए किसी पार्क में और देखे जरा आप झाड़ी में गोली मार दे, हो भाई पार्क है, ये वहां पे एक्ट होगा कि जहां पे शिकार अलाउ होगा वहां पे जाके अगर वो करेगा तो फिर ये कौन सा एक्ट होगा, अगर शिकार अलाउड नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एरिया ऐसा नहीं कि जहां पर लोग इस तरह शिकार करें, यहां पर इंसान हो सकते हैं, तो अगर कोई ऐसा काम हुआ तो सूरत में वो आ जाएगा आपके शिकारी के। अगला सवाल है जी, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एंड आल्सो डिस्क्राइब व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड दिस सेक्शन विद द डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर एंड व्हाट वुड बी पोजीशन सिचुएशन इफ एन अबेटर इज प्रेजेंट व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड, सेक्शन 107, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पूरे का पूरा उसने उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया, बताया जनाब ये क्या है और क्या नहीं है। अबेटमेंट 3 तरह से होती है, इंटेंशनली एड करने से, इंस्टिगेट करने से, और उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के जरिए से, उसके बाद जो बंदा करता है वो अबेटर, और ये सवाल 3 बार पेपर में आ चुका है कि अगर अबेटर ऑन द सीन ऑफ द क्राइम प्रेजेंट हो तो फिर ये समझा जाएगा दैट इफ ही हैज हिमसेल्फ कमिटेड दैट ऑफेंस, फिर वो अबेटमेंट से निकल के किस में चला जाएगा, हिमसेल्फ कमिटेड एंड ऑफेंस में होगा, कॉमन इंटेंशन में चला जाएगा, फिर वो अबेटमेंट से आउट हो जाएगा, अगर वो बंदा वहां पर मौजूद था तो, अबेटमेंट की मौजूद हो गया तो फिर क्या होगा कि जैसे वो वहां पर मौजूद था तो उसका जुर्म उस सेंस में चला जाएगा कि जहां पर उसने मौजूदगी में वो जुर्म किया होगा। मारने वाले गलत करते हैं, लड़कारा जो होता है, लड़कारा तो वो ऑन द स्पॉट, लड़कारा तो 509, 506 उधर वाली कहानी में जाता है, तीन उधर जाता है, ललकारा यहाँ पर नहीं आता, वो कोई आपकी और मिसाल दे रहे हो, ललकारा यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर तो ये है कि आप दोनों कत्ल करने के लिए गए हैं कॉमन इंटेंशन के साथ, और जिसने प्लान दिया वो कराची में बैठा, तो वो अबेटमेंट है, अबेटमेंट की सबसे बड़ी मिसाल तो जब कार्ली भुट्टो साहब, इसके ऊपर जो उनको सजा हुई थी फांसी की वो 109 में हुई थी, और उस तरह जो आपका ये सिकंदर लाशारी केस अभी पिछले दिनों बड़ा मशहूर है, एडिशनल सेशन जज था सिंध वाला, जिसको भी फांसी की सजा हुई है वो 109 में हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसका केस है, सिंध हाई कोर्ट ने उसकी सजा को कायम कर दी है, उसने अपने दूसरे ही जज के बेटे को कत्ल करवाया था, दोनों दोस्त थे आपस में,
और बड़ा उनका आपस में, इवन कि उसके जनाजे पे और उसके 40 दिन उसके वो वहां पे अफसोस में भी बैठा रहा, बड़े करीबी दोस्त थे। बाद में कोई एक मुलजिम कहीं से पकड़ा गया, वो मुलजिम पकड़ा गया किसी और जुर्म में, उसके जो मोबाइल की स्क्रीनिंग उन्होंने की, तो उसकी मोबाइल की स्क्रीनिंग में नंबर निकाले, तो उसका नंबर जज के साथ कोई एक उसका क्या निकल आया नंबर, उस जज का नंबर निकला, उसकी कम्युनिकेशन निकाली, कम्युनिकेशन निकाली तो पता चला कि जज ने उस बंदे को कहा था कि तुम इस जज के बेटे को मार दो। तो ये एक सुनो का बड़ा मशहूर केस है, सिकंदर लाशारी केस की जजमेंट, ये 2019-20 में ये वाकया हुआ था। बेटा कोई उसकी उनकी बेटे और बेटी का कुछ चक्कर था, तो ये उनका कुछ चक्कर था, उसके अंदर ये जो है ना बड़े मशहूर एक जजमेंट है 109 की, ये दो जजमेंट्स है। फिर 109 की जो जजमेंट, इसकी जो सजाएं हैं बड़ी अजीब अजीब सजाएं हैं। पहली सजा तब है, पहली सजा तब है कि जब जो जुर्म कहा वो कमिट हुआ, तो फिर सबकी सजा क्या होगी, एक। अगर जुर्म जो अबेट किया वो क्या हो गया, कमिट, तो सबकी सजा क्या होगी, एक। अगर सिर्फ अबेट हुआ, अगर सिर्फ अबेट और अच्छा जुर्म नहीं हुआ, जुर्म हुआ ही, अबेटमेंट खुद सब्सटेंटिव ऑफेंस है, फिर भी इसकी सजा मौजूद है। और अगर अबेट कुछ और हुआ, कमिट कुछ और हुआ, अब यहां पर यह देखा जाएगा कि जो कमिटेड एक्ट है वो अबेटेड की कॉन्सिक्वेंस है या नहीं है, ये पॉइंट क्लियर करना है। अबेट कुछ और हुआ और कमिट कुछ और, अगर वो कमिटेड अबेटेड की कॉन्सिक्वेंस है तो फिर अबेटर को दोनों सजाएं, अगर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है तो फिर अबेटमेंट को अलग और कमिटेड को क्या मिलेगी अलग। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई रॉबरी करने जाए तो वहां पर किसी को जख्मी कर सकता है या नहीं कर सकता, कर सकता है ना। आपने अबेटमेंट की, रॉबरी की, वहां पे उन्होंने किसी को जख्मी कर दिया गोली मार के, अब अबेटर को दोनों सजाएं मिलेंगी, क्योंकि रॉबरी में असले के साथ बंदा जाएगा तो वहां पर ऐसा काम हो सकता है, ठीक हो गया। और अगर भेजा आपने रॉबरी के लिए, किसके लिए भेजा, उन्होंने वहां पे रेप कर दिया, अब रेप और रॉबरी का ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक है रेप और रॉबरी का, नहीं डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस रॉबरी की, जान जाना हो सकती है, रेप होना, रेप एक अलग इंटेंशन है, तो यहां पर उसको मिलेगी सजा रॉबरी की और इनको सजा मिलेगी रॉबरी प्लस रेप की। तो ये सजा कब इकट्ठी होनी है, जब देखा जाएगा कि आगे वो कॉन्सिक्वेंसेस है, या अगर कॉन्सिक्वेंस है तो इसको दोनों की सजा मिलेगी, अगर कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो फिर इसको अबेटमेंट की और उसको किसकी मिलेगी, आपको सजा कमिटमेंट की मिलेगी। तो ये आपका आ जाएगा जनाब तीसरा सवाल। अगला चौथा सवाल इसमें कौन सा है, एक्सॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, हाईजैकिंग, इट्स पनिशमेंट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंक मर्चेंट और एजेंट, एंड इट्स पनिशमेंट मिसयूज। ये तो बिल्कुल जैसे बच्चों वाला, ये तो 2015 का पेपर है, ये तो सीधा सीधा हलवा उठाकर आपको दे दिया। एक्सॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल इंटिमिडेशन थोड़ा सा निकाल के उसने दरमियान में डाल दिया, हाईजैकिंग एंड इट्स पनिशमेंट उसने क्या कर दिया, वो 402 दे दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 दे दिया, पब्लिक सर्वेंट का दिया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट हो गया, उसके बाद बैंकर, मर्चेंट और एजेंट एंड इट्स पनिशमेंट और मिसचीफ 427 उसने देकर इसको क्या कर दिया। ये तो बड़ा आसान सा सवाल और पेपर उसने बनाया हुआ। अच्छा चलो अगला पेपर थोड़ा सा देख लें, 2017 में, इनमेरेट द पनिशमेंट टू विच अफेंडर इज लायबल अंडर सेक्शन 53 ऑफ पीपीसी। हलवा, 10 की 10 सजाएं आपने बता दी है पाकिस्तान पीनल कोड की, इज देयर एनी अदर पनिशमेंट गिवन इन द स्टैट्यूट नॉट इंक्लूडेड सेक्शन 53 पीपीसी, कौन सी है। सेक्शन 73, सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सजा है, जो कि पीपीसी के सेक्शन 53 में मौजूद नहीं है, उसका असूल वहां पर दिया हुआ। तो ये सवाल उसने दिया था कि आप बताएं कि जनाब वो कौन सी पनिशमेंट है जो 53 में नहीं है लेकिन सजा मौजूद और वो दी जा सकती है, वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। उसके बाद डिफरेंशिएट द स्कोप एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर सेक्शन 182 और 193, 182 और 100, असल में ये सवाल थोड़ा सा ये तो लिखने में गलती हुई, ये शायद सवाल गलत होगा पेपर में देखना, 182 293 नहीं चलता, 193 नहीं चलता, क्योंकि फर्क इसमें ये है कि 183 93 के जो आता है ना कंपैरिजन, वो एक और, क्योंकि 182 211 का पर्चा होता है, 182 आपका फॉल्स चार्ज, फॉल्स सही है बन जाएगा, 182 में आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है किसी अथॉरिटी को कि वो कोई भी ऐसा काम करे किसी शख्स के खिलाफ, 182 की जो स्टेटमेंट है वो ऑन ओथ नहीं होती, 193 है परजरी, और परजरी जब आप ऑन ओथ एविडेंस देते हैं तो उस सूरत में, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं बिफोर द पब्लिक सर्वेंट, लेकिन एक स्टेटमेंट है किसी पुलिस मशीनरी को मूव करने के लिए और एक स्टेटमेंट किसके लिए है, कोई आप झूठा एविडेंस जो देते हैं वो 193, ये उस नोट्स में मैंने इसका दिया हुआ है कंपेरिजन चार्ट दिया हुआ है, 182 193 का चार्ट है वहां पे, और ये ऊपर वाला भी पूरा सवाल है।
53 वाला। अच्छा आगे चले जी, अब ये एक प्रपोजिशन आज की आखिरी कर दे, क्योंकि वो बंदा मेरा वेट कर रहा है आपके सामने, बाकी पेपर कल कर लेंगे। वहां चलिए पर सो कल हम सारे काम खत्म करवा दे, इंस्पेक्शन करवा लेना, तो परसों थोड़े से हम क्या होंगे कंफर्टेबल। परसों लॉग एड की क्लास कोई नहीं होगी, तो परसों आप लोगों ने थोड़ा सा आगे तक भी जाना होगा, हम आपको आगे तक ले जाएंगे। कल इंस्पेक्शन है, आप लोग मंडे को आ, पर मंडे को 2 बजे इंस्पेक्शन खत्म होगी, आप 3 बजे आ जाओ। अच्छा जी, ये वाला सवाल पढ़े, ये मैक्सिमम लोगों ने गलत किया, मैक्सिमम लोग पढ़े, जल्दी से पढ़े पढ़े पढ़े, तो सलीम सलीम वाला। सलीम इंटॉक्सिकेशन ड्रॉव अ बस इन अ जिगजैग मैनर और द एक्सीडेंट एट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स कंसीक्वेंटली डैश अगेंस्ट अ मॉब राइडर कॉजिंग इंजरीज इंक्लूडिंग शज्जा गांगा एंड वेयर द मुनाफिया डैश अगेंस्ट ऑटो रिक्शा कॉजिंग डैमेज टू इट एंड देन हिटिंग अ ग्रिल एंड कंपाउंड वॉल ऑफेंसेस कोई शब्द चटनी तो कोई नहीं, इसमें पता है, इसमें एक ही पॉइंट था जो उसने समझना था और पूछना था, कि कोई वो बता गया तो इस सवाल का जवाब बताए, सब कुछ आप लिख लेंगे। उसने आपको डी ट्रैक किया, उसने आपको मिसलीड किया, मिसलीड कहाँ पे किया उसने आपको, बताया उसने जुर्म बताया आपको कौन कौन से। ए एफ और ग्रीन बजे हाँ? का क्या क्या किया उसने, देख रैश रेडिंग का उसने किया क्या, मोट राइडर काजिंग इंजरीज इंक्लूडिंग सजा दमिर्गा गैर जायफा मुनक्किला। अब यहाँ पे उसने आपको डी ट्रैक किया है, उसने आपको बता दिया कि सजा दमिर्गा और सजा गैर जायफा मुनक्किला, रैश ये दोनों सेक्शन नहीं लगेंगे, ये दोनों है रेडिंग 337, ये दोनों कौन से है, 337 सेंटेंस और 337 ADF में आ जाता है, ये 337 ए है, और 337 ए में जो इसकी सजाएं हैं वो कौन कौन सा है जनाब, दमिर्गा और मुनक्कला, A4 और A6 है, वो 337 शज्जा के साथ लगाई है मेरे भाई उसने, शज्जा लगाई, क्या लगाई, शज्जा लगाई, बैठ शज्जा दमिर्गा लगाई ना उसने, A6 लगाई है, A6 लगाई है, और फिर उसके बाद F में कौन सा लगाया, F गैर जायफा, F में उसने लगाया है, F4 लगाया है, जाऊंगा F4 लगाया है उसने, F4 लगाया है और A6 लगाया है उसने। अच्छा यहां पर अभी उसने फंसाया कैसे है, कि क्योंकि जो इंजरी होती है ना ड्यूरिंग ड्राइविंग, वो 337 G में आ रही है, ये तो ये जो दोनों है ये दोनों दफा नहीं लगेंगी, इसकी दफा को हाँ लेकिन लगेगी, लगेगी, अब कैसे लगेगी और कैसे नहीं लगेगी, 337 G लगेगी सजा के लिए और 337 A6 लगेगी जुर्माने के लिए। अब 337 G पढ़े, वो आपको बताता है कि सजाएं ड्राइविंग की वहां पे है, और उसी में उसने बताया कि जो अर्श दमन है वो रेलेवेंट जख्म के बराबर, पढ़ो 337 G पढ़ो जल्दी से। जी पनिशमेंट जी फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग नंबर वन हु एवर कॉजेस हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग शैल बी लायबल टू अर्श और दमान स्पेसिफाइड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज एंड मे अब नॉट अर्श और बी दमान कहां से उसको देना है, आपने शज्जा दमीघा का देना है और गैर जायफा मुनक्किला का, और सजा कौन सी देनी है, 337 G की। मेन टेक्निकल एक उसने ये पॉइंट रखा था, कि आपको इस चीज की समझ है या नहीं। दूसरा बात है जी अंडर इंटॉक्सिकेशन, अब इस चीज को, इससे एक बड़ा पॉइंट आपने डिस्कस करना था, जो जब एक बार ये सवाल, ये सेम प्रपोजिशन इसके साथ मिलती जुलती मैंने दी, सिंगल पर्सन ने भी इसका जवाब नहीं दिया, और इसका स्टार्ट ही कहां से होना है, स्टार्ट कहां से होना है, इसका स्टार्ट यहां से होना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू प्रोबेबिलिटीज, यहां पे आप बनाएंगे प्रोबेबिलिटी वन एंड प्रोबेबिलिटी टू। प्रोबेबिलिटी वन ये है दैट इफ द इंटॉक्सिकेशन वाज अगेंस्ट हिज विल, वाज अगेंस्ट हिज विल, इन दिस केस नथिंग इज एन ऑफेंस। अब यहां पे मेंशन नहीं है कि अंडर इंटॉक्सिकेशन क्या है, और आगे है कि अगर इंटॉक्सिकेशन वो खुद उसने किया तो फिर ये जुर्म जनाब नीचे वाले फॉलोइंग जुर्म होगा, तो प्रोबेबिलिटी वन में आपने उसको बता दिया कि अगर ये अगेंस्ट विल थी तो फिर कोई भी सजा नहीं है।
एक्सेप्शन में जाएगा। अगर उसने जानबूझकर किया तो जिग जैग मैनर है। क्या मैनर है? जिग जैग मैनर। तो जिग जैग मैनर का मतलब है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग है। तो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग में काजिंग हर्ट है 337 G। उसके बाद अगला उसने क्या कहा? उसने कहा जनाब ऑटो रिक्शा को मारा, काजिंग डैमेज 427। लेकिन 427 के साथ आप 426 भी लिखेंगे, चाहे वो एप्लीकेबल नहीं है, बट कानून में तो है कि रक्षा का नुकसान 50 रुपए से ज्यादा था तो 426, 50 रुपए से ज्यादा था 427। उसके बाद है आगे उसने क्या किया, हिटिंग अ ग्रिल एंड कंपाउंड वॉल, तो ये भी क्या होगा 427। अगर यहाँ पे वो पब्लिक रोड पे चढ़ा, ग्रिल उसने खत्म की, सड़क की जो ग्रिल होती है वो सरकार ने लगाई होती है, तो सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की इसमें दफा मौजूद है कि जहां पर आप खाली गाड़ी गलती से चलाएं, चाहे आपको नुकसान करे ना करे, 279 है इस तरह करके सेक्शन है। देखिए 279 कौन सा सेक्शन है, एक सेक्शन है प्रॉपर जो ऐसे सारे इस उसमें गाड़ी का ही जिक्र है, ड्राइविंग का जिक्र है, पब्लिक रोड के ऊपर जो गलत ड्राइविंग आप करते हैं उसके ऊपर एक दफा लगती होगी, तो वही लगेगा ना। पब्लिक रोड के ऊपर ग्रिल सिग्नल नहीं तोड़ रहा वो, रैश ड्राइविंग ऑन ड्राइविंग ऑन अ पब्लिक वे, तो ये क्या कर रहा है, किधर जा रहा है? पब्लिक वे पे गया ही कहीं और गया है? पब्लिक वे पे गया, पब्लिक वे पे ही चल रहा है वो, रिक्शे वाले को मार रहा है, लोगों को मार रहा है, ग्रिल तोड़ रहा है, कंपाउंड तोड़ रहा है, 279। तो आप इसके ऊपर दफा लगाएंगे 337 G लगाएंगे, अलॉन्ग विद 337 A6 लगाएंगे और F4 लगाएंगे, उसके साथ आप इसके ऊपर लगाएंगे हार्ट की वो लगा दी 427 लगाएंगे, और साथ मेंशन करेंगे अगर 50 रुपए से कम है तो 426, 279 उसके साथ लगेगा। किस चीज के लिए लगेगा? रैश ड्राइविंग के ऊपर लगेगा। और अगर ये तमाम आखिर में जाकर लिखेंगे कि अगर इसने ये सारा कुछ जो किया था, इंटॉक्सिकेशन जो अगेंस्ट हिज विल थी, तो नथिंग इज एन ऑफेंस। ये पूरे सवाल के अंदर आप चीजें डिस्कस कर ले आधे आधे पेज पे करके, हर पॉइंट को ऑटोमेटिकली आपको नंबर क्या होंगे इसके मिल जाएंगे। तो ये तरीकाकार है किसी भी, और हर प्रोपोजिशन में तरीका क्या होगा, थोड़ा सा चेंज। इस प्रोपोजिशन में आपने क्या किया, उसके आप पहले बताएंगे कि फैक्ट नंबर वन के जनाब ड्राइविंग अंडर इंटॉक्सिकेशन, आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि जनाब पाकिस्तान पिनल कोड में ड्राइविंग अंडर इंटॉक्सिकेशन के दो प्रोपोजिशंस बन सकती है, दो प्रोबेबिलिटीज बन सकती है कि अगर वो अगेंस्ट विल थी या विद विल। अगेंस्ट विल थी तो ऑफेंस नहीं होगा, विद विल थी तो फिर ऑफेंस हो सकता है। ये पहली चीज को आपने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। उसके बाद उसने जो एक्सीडेंट किया, और एक्सीडेंट में क्या किया उसने जनाब, एक मॉब्ड राइडर काजिंग इंजरीज इंक्लूडिंग शज्जा दमेगा, तो उसमें फिर आपने बताना कि जब कोई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के दौरान इंजरी काज करता है तो उसको इनफेक्ट 337 G अलोंग विद द टाइप ऑफ हर्ट फॉर हर्षण दमन विच ही काज्ड। तो फिर इसमें आप शज्जा दमेगा को एक्सप्लेन करेंगे, शज्जा दमेगा भी 337 G और दूसरा भी 337 G, उसको साथ आप एक्सप्लेन करेंगे। और आगे आएगा जनाब के किसी रक्षा को नुकसान पहुंचाना, तो ये किस चीज में आएगा, ये आएगा नुकसान रसानी में। इसी तरह उसने जनाब कंपाउंड वाल तोड़ी, ग्रिल तोड़ा, ये भी 427। लेकिन इट इज लाइकली टू बी के वो ड्राइव कर रहा था ऑन अ पब्लिक रोड, तो जब कोई बंदा पब्लिक रोड पर जैसे के ऊपर लिखा गया रैश ड्राइविंग कर रहा था, तो रैश और नेग्लिजेंट, जिगजैग मींस रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, तो 279 भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सबको एक्सप्लेन करना, उनकी सजाएं बयान करनी, अगर आपको पता हो तो आधे आधे जितना लिख सकते हैं टाइम के मुताबिक लिखिए। इसमें पहले फैक्ट बताएं, फिर उसके पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताएं, और फिर उसके ऊपर आप क्या करें शुरू कर देंगे आगे क्या है, हर पॉइंट को डिस्कस कर देंगे जैसे जजमेंट लिखते हैं इशू फ्रेम।